हेलो दगड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहलाग अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बिरू रुथवाल देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। तो यार दोस्तों, आज का ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जिस जगह आज मैं जाने वाला हूँ ना, वो बहुत ही ऐतिहासिक भी है और पौराणिक भी है। ऐतिहासिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिसुंग गांव है। बहुत से लोग जानते होंगे कि ये बिसुंग गांव क्यों प्रसिद्ध है। तो कहा जाता है कि क्या है कि यहाँ के जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा जी, उनका ये गांव बिसुंग गांव है। और पौराणिक मैं इसलिए कह रहा हूँ ना भाई, यह गांव किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि जो बाणासुर एक राजा हुआ करते थे, बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, और कहा जाता है कि बाणासुर भगवान शिव के पुत्र भी माने जाते हैं। और उन्हीं बाणासुर के आज मैं किले में जाने वाला हूँ, उनका रहस्य बताने वाला हूँ। तो आज ब्लॉग के साथ, चैनल के साथ बने रहें, इंजॉय करें और देखते रहें फटाफट से अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तब तक मैं आगे को चलता हूँ। तो यार दोस्तों, जो ये रास्ता जा रहा है ना, वो वही बाणासुर, वही महान प्रतापी असुर के किले की ओर जा रहा है, जो कि वहां पे विराजमान है, वो किला बाणासुर का किला। तो यार दोस्तों, यहां से बाणासुर पूरे एरिया में निगरानी किया करता होगा, और यहाँ पे काफी खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है। पुरानी दीवारें तो लगभग ध्वस्त हो चुकी हैं, लेकिन व्यू वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। तो यार दोस्तों, अब मैं आपको घुमाता हूँ महाराज बाणासुर का किला। तो ये देखिए, काफी बड़े बड़े पत्थरों से चिना गया, काफी खूबसूरत, और बड़े बड़े कमरे हैं। ये देखो, ये खिड़कियां भी हैं, कमरे भी हैं, एक दरवाजा यहाँ से है, और नीचे फिनिशिंग देखो भाई, इसका जो फर्श है ना, बहुत ही खूबसूरत सा बना है। एक कमरा मैंने आपको दिखा दिया, बगल ही में एक छोटा सा पता नहीं शौचालय होगा या स्नान गृह होगा, इतने छोटे तो लोग क्या होते होंगे, शौचालय ही होगा जहां तक ख्याल है। और ये देखो कितने बड़े बड़े कमरे हैं भाई चारों तरफ। तो ये एक ऐतिहासिक धरोहर कही जा सकती है इसको, लेकिन इसको धरोहर कम खंडहर ज्यादा बनाया गया है। और यहाँ देखो भाई, एक व्यू पॉइंट यहाँ है, यहाँ पूरे सैनिक खड़े होते होंगे तीर भालों के साथ, और यहाँ से भी पूरे क्षेत्र की निगरानी रखी जाती होगी। पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है भाई, लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़ पता निकाय है, तो ये वाला पूरा एरिया दिख रहा है भाई यहाँ। तो यार, आज तक के जितने भी राजा महाराजाओं के किले मैंने देखे, चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तराखंड हो, देश के किसी भी कोने में कोई भी राजा हो ना, ऐसी टॉप की जगह में अपने किले बना रखे ना भाई, जहां से चारों तरफ का नजारा काफी खूबसूरत दिखता है। और उतनी ही ज्यादा जो किले की सुरक्षा है ना भाई, वो चारों तरफ से होती है भाई, क्योंकि चारों तरफ नजर पड़ जाती है तो आक्रमण करने का तो सवाल ही नहीं होता। तो जितने भी किले हैं टॉप में बनाए गए हैं, और उसी प्रकार एक ये है बाणासुर का किला। ये देखो भाई, ये होता होगा बाणासुर का राजभवन, ये बाणासुर का स्विमिंग पूल भी है भाई बाणासुर के पास। देखो ओ भाई, इतनी बड़ी गहरी खाई क्या है ये? नर्क का द्वार। क्या है ये? भाई साहब, बहुत ही गड्ढा है यार नीचे, तो क्या होगा ये पता नहीं। तो कमेंट करो क्या होता होगा ये किसी उस टाइम पे। तो दोस्तों, जो स्विमिंग पूल मैंने आपको दिखाया था बाणासुर का, उस स्विमिंग पूल में मैं आ चुका हूँ। और इस स्विमिंग पूल में आने के लिए काफी खूबसूरत सी सीढ़ियां भी है, लेकिन यहाँ आके देखा कि कचरा ही कचरा भर रखा है, तो लोगों ने ऐसा यहाँ नहीं करना चाहिए। बियर की बोतल यहीं दिख रही है, केक का फटा छिक्कल यहीं दिख रहा है, दारू की बोतलें यहीं दिख रही है, और क्या बोलते हैं, सोडे की बोतल यहीं दिख रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ये हमारे लिए एक धरोहर है, बहुत ही पुरानी मतलब ऐतिहासिक धरोहर है, इसको संभालना चाहिए, सजोए रखना चाहिए, इसको मतलब सफाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो पुरातत्व विभाग ने इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और पूरी सफाई करके एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करना चाहिए, बताए। तो यार दोस्तों, ऐसा ना करें, जो भी यहाँ है थोड़ा बहुत सफाई करके जाए, ठीक है? ये जरूर शांत आदमी है। तो यार दोस्तों, ये वही बाणासुर का किला है ना, जो भगवान श्री कृष्ण के समधी हुआ करते थे, फिर बाद में कुछ असमंजस हो गया और
कहते ना असुर और देवताओं के बीच कभी बनती नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के सेना में बहुत ही घमासान युद्ध हो गया। और जो ये ठीक सामने देख रहे हैं ना, इसी फील्ड में वो घमासान युद्ध हुआ होगा। और कहा जाता है कि जो लोहावती नदी बहती है ना, वो उन्हीं देवताओं के और जो कृष्ण भगवान के सेना थी और असुर बाणासुर की जो सेना थी ना, उनके जो लहू बहा था ना, उसी से जो नदी बनी, लोहावती नदी बनी। और वो यही लोहावती नदी जो बहती है, इसी गांव से निकलती हुई नीचे को काली नदी में मिलती है। और ये देखो चारों तरफ का नजारा देखो भाई, बाणासुर के किले से काफी खूबसूरत सा नजारा है यार भाई, वाह मजा आ गया। चारों तरफ देखो खूबसूरती ही खूबसूरती। तो यार दोस्तों, बाणासुर के इसी खूबसूरत लोकेशन के साथ आज के इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये बाणासुर का किला काफ़ी पसंद आएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, जो जानकारी मुझे थी ना भाई, वो मैंने सारी आपको बता दी है। तो इस ब्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से टूट चले।